आरंभ होछि ओडिशा स्टार्टअप कार्निवाल 2023 चलित वर्ष 14 दिन धरी चलिबो एहि कार्निवाल भारत सरकारक अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग अतुट सहयोग रे आईसी नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एवं उत्कल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलित सहयोग रे एहार उद्घाटन होछि। द्वितीय संस्करण में ओडिशार स्टार्टअप गुड़ को सफलतार सहित आगक बढ़ेबारे प्रस्तुत करनिभाल विदेश में विभिन्न क्षेत्र में शिल्प विशेषज्ञ एकाडेमियन स्टार्टअप इनोवेटर इक्विपमेंटर मेंटर निवेशक एवं कॉर्पोरेट मानक आगमन हो आशा कर। गंजाम जिला विजु जनता दल कार्यकारिणी बैठक गोपालपुर पंथ निवास निकट में अनुषित होती मुख्य अतिथि भाव अर्थमंत्री विक्रम केशरी आरोख वरिष्ठ विधायक देवीप्रसाद मिश्र जोगद कार्यक्रम शुभारंभ कर। गंजाम जिले में बीजेडी को किभली अधिक सुदृढ़ करा से नहीं बैठक में पुंगानुपुंख भाव आलोचना करा। राजनैतिक सांगठनिक एवं धन्यवाद प्रस्ताव गृहीत होता 5T सचिव तथा आम ओडिशा नवीन ओडिशार अध्यक्ष भिके पांड्यान बीजेडी दल में सामिल होता जो गंजाम जिला बीजेडी पक्ष स्वागत कर। जिले में रही मंदिर मस्जिद गिर्जा पर्यटन क्षेत्र पुनरुद्धार और नूतन कार्य पांठि अनुमोदन कर मुख्यमंत्री और 5T अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन कर। जिले में बीजेडी को तृणमूल स्तर में सुदृढ़ करने ब्लॉक एनएसी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और बूथ स्तर में समस्त बीजेडी कर्मकर्ता एक हो काम करेंगे। ब्रह्मपुर विधायक विक्रम पंडा नेतृत्व में होता बैठक को परिचालना करते जिला बीजेडी सभापति डॉक्टर रमेशचंद्र चौपटनायक बैठक में जिलार समस्त विधायक विधायिका सांसद समेत जिलार समस्त ब्लॉक एनएसी म्युनिसिपैलिटी बीजेडी कर्मकर्ता जोगद। कमिश्नर मुख्य सुखदेव सिंह गुगामेडी हत्या मामलें पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर सुखदेव को गुड़ कर दुई सुटर समेत तीन जन को गिरफ्त कर पुलिस कही गिरफ्त दुई सार्प सुटर है रोहित राठौर और नितिन फौजी। दिल्ली और राजस्थान पुलिस मिलित टीम चंडीगढ़ में चढ़ाउ कर रोहित और नितिन को गिरफ्त कर उद्धाम सिंह गिरफ्त हो पुलिस कही जयपुर पुलिस कमिश्नर कहते दुई सुटर विदेश पलायन करने को योजना करुते अभियुक्त को धरने पर पुलिस पखापाखि 500 सीसीटीवी जांच कर पुलिस कही हत्याकांड पर अभियुक्त मैंने राजस्थान खसीजाई हरियाणा हिसार में पहुंचे से हिमाचल प्रदेश में मनाली जाते सेठे पुणी से चंडीगढ़ को फेरी आसीबा खबर पाई पुलिस से गिरफ्त कर मामलें एपर्यंत 4 जन को गिरफ्त कर सुखदेव को गोली कर हत्या करने दुई सुटर को रामदेर जाट नामक जन व्यक्ति बाइक नहीं अजमेर रोड छाड़ी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ना घोषणा सहित उपमुख्यमंत्री किए हेब से नहीं दल पक्ष ना घोषणा हो छत्तीसगढ़ में दुई जन को उपमुख्यमंत्री पद मिल राज्य बीजेपी सभापति अरुण साय एवं विजय शर्मा को उपमुख्यमंत्री दायित्व मिल। पूर्वतन मुख्यमंत्री रमण सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा बाचस्पति नियुक्त बीजेपी केन्द्रीय नेतृत्व आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री भाव नियुक्त करे ओबीसी समुदाय अरुण को उपमुख्यमंत्री न्यस्त कर एहाक आदिवासी और पछुआ वर्ग को खुशी करने को चेष्टा कर दल मंत्री महम्मद अकबर को परास्त कर प्रथम थर पर विधायक होता विजय शर्मा को उपमुख्यमंत्री पद भली बड़ दायित्व मिली से प्रथम थर पर विधायक होता अरुण साहू को भी दल उपमुख्यमंत्री करनिथर मुख्यमंत्री रही रमण सिंह एथर भी मुख्यमंत्री रेस रही दल विधानसभा बाचस्पति भाव मनोनीत करें मुख्यमंत्री भाव घोषणा पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को साक्षात करते विष्णुदेव साय। बीएसपी सुप्रीमो तथा उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री मायावती पुत्र आकाश आनंद को निज राजनैतिक उत्तराधिकारी भाव घोषणा कर आज लक्ष्मण में आयोजित दलय बैठक में मायावती यह घोषणा कर आकाश होती मायावती सान भाई आनंद कुमार पु गत आकाश को दलय व्यापार दायित्व दिया सहित से परवर्त बीएसपी मुख्य है जमापड़ा आज मायावती घोषणा पर यह स्पष्ट हो 2019 आकाश आनंद को राजनीति को आनी मायावती। श्रीमंदिर जाए जगन्नाथ को दर्शन कले बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाप्रभु सानिध्य ने सहित भारत को हिंदू राष्ट्र में खूब शीघ्र साकार रूप देवा महाप्रभु को प्रार्थना करते। श्रीमंदिर में प्राय एक घंटा रहणी काल में महाप्रभु दर्शन कर बाबा भावविहोल होवा सहित विमला मंदिर लक्ष्मी मंदिर और पर श्रीमंदिर भितर साखी गोपाल मंदिर में बस महाप्रसाद सेवन करते निज जगन्नाथ दर्शन अनुभूति खूब सुंदर भाव कहते बाबा यह सहित जनवरी 17 होगा जाऊ श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव विषय में प्रतिक्रिया से कहते समस्त भारतीय विजय
କିନ୍ତୁ ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ନିଜ କଠଉ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ହନୁମାନ ସାଧକ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜକ ସିତେଶ ପତ୍ରୀ ଏକ ପିତ୍ତଳର ଗଦା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 6.5 କିଲୋ, ମୂଲ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସିତେଶ କହିଥିଲେ। ବାବା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେ ଏହାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ଭଟିମୁଣ୍ଡାରେ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏମିତିକି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲାପିଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବ ଦୀପାବଳି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 3 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିପଦା 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ନୀତି ଯଥାବିଧି ପାଳନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଦିତି ଏବଂ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଗୁଣିଜ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଓ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି କରିବା ସହିତ ଆଜି ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ରାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଚାଦରରେ ଭୂଷିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ଧଳାବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 16 ହାତ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର 14 ହାତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା 12 ହାତ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ବା ନାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ତଡ଼ଗି, ନଳିଭୁଜ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁଣ୍ଡଳୀ, ଆଡ଼କାନି, ହରିଡ଼ାମାଳି, କମରପଟି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧାନ ହେଉ କ'ଣ ଧାନ ଚାଷ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଟେନ୍ସନରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ସୁକୁଡ଼ା ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ଜପଧନ ସାହୁଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଜଣେ ସଫଳ ଯୁବଚାଷୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼ସୁଖ ତାହାର ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। 47 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବ ଚାଷୀ 2027ରୁ ଝୁଲି, ସପୁରୀ, ମନସୁରୀ, କର୍ଣ୍ଣି, ବାସପତ୍ରୀ, ଜବାଫୁଲ, ସୁନାକାଠି, ଏଚ୍ଏମ୍ଟି ଭଳି 18 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାଉଳକୁ କେଜି ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 120 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ବର୍ଷକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଜପଧରଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଉଳ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ବଜାରରେ ରାସାୟନିକ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ନେଇ ଖାଉଟି ଏବଂ ସରକାର ବି ଚିନ୍ତିତ। ପ୍ରଚୁର ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଚାଉଳରେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁକୁଡ଼ା ଗାଁର ଜପଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜପଧରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ବିପଣନ ସୋସାଇଟି ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସାରା ପରିବାର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଜପଧର ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଗାଁର 10ଟି ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷ ତମାମ ରୋଜଗାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଭଟଲି ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବିଜେଏମ୍ ସ୍କୁଲ। ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଲୁମିନିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। 1974 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଜେଇଏମ୍ ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3,500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 135ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ 90ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷର ଟପରମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କାରଣ ପିଚୁ ପକାଇବାରେ 2 ଦିନ ହୋଇନି ତାହା ହାତରେ ଉଠିଯାଉଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗମ ସାହି ଛକରୁ
सीतासागर दे आंध्र को संजोग करथु रास्ता अत्यंत खराब थिला यार मरम्मति पई स्थानीय लोके बारंबार दाबी करबा परे एबे एही काम आरंभ होईछि 9 किलोमीटर रास्ता पई 16 लाख 5000 टंका व्यवरात करा दैछि हेले एही काम एते निम्नमानर होईछि जे जने आखिर न देखले विश्वास करि परिबो नाही दुई दिन तले निर्माण होइतबर रास्तार पिचु उठि जाइछि यहां स्थानीय लोके प्रतिवाद करने सहित तुरंत यह काम को बंद करने को दावी करते प्रत्येक दिन हजार हजार लोके यातायात करुवा रास्तार मरामति दीर्घ दिन है दावी हो आसुला टा आसी निम्नमान काम करसे असंभव होना पुणी जो स्थित को से स्थित उपज तेणु विभाग अधिकारी उपस्थित यह काम ठिक मणे स्थानीय लोके दावी कर धर्म को आखिजारा भाई रास्ता उपरे केवल गोड़ी पकई काम कर ठिकादार निज मनमानी में यह करुवा बेले विभाग जंत्री सब् देखी नदेखा भाई चुप रहा समस्त आश्चर्य कर ठिकादार और विभाग अधिकारी मधुचंद्रिका जो यह निम्नमान काम चली लोक अभोग करमर तदारख कर ग्राम्य निर्माण विभाग कनिष्ठ जंत्री रास्ता कम अति निम्नमान होता स्वीकार करने सहित तुरंत कम बंद करने को निर्देश देते घटना तदंत कर संपृक्त ठिकादार विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सहित रास्ता किभली सठिक भाव निर्माण हो पार से दिगरे पदक्षेप ग्रहण पारलाखेमुंड ग्राम्य निर्माण विभाग अधीन एमती अनेक रास्ता रही जहां सठिक मरामति करना तेज यह रास्ता कम सठिक भाव कर विभाग केवे सफल होता समस्त नजर रही पारादीप बंदर पीआईसीटी बर्थ्रु जबत होता कोकेन मामलें नुआ मोड़ आसी पीआईसीटी बर्थ्रे स्कूबा ड्राइवर पहुंची गभीर समुद्र में कोकेन खोजुंट सीमा शुल्क विभाग चढ़ऊ बेले जहाजर क्रू मेम्बर मैंने किसी कोकेन पैकेट समुद्र को फोपाड़ी देखा अनुमान 23 पैकेट कोकेन 22 पैकेट मिली बेले गोटे पैकेट जहाज तले पानी टैंकर थे तदनकारी टीम सन्देह करुंटे तेज पानी कौन मिलला से नहीं किसी जमापड़ना डिसेंबर 1 तारीख में जहाजर क्रोन चामर कोकेन मिली एक कोकेन को नहीं 10 दिन हो कस्टम विभाग दिल्ली एनसीबी एवं विभिन्न तदंतकारी संस्था तदंत चलता बेले सांपल टेस्ट पर कुजंग कोर्टे अनुमति मिल सारी कुजंग एनडीपीएस कोर्टे दाखल हो 220 कोटी कोकेन राउरकेला ब्राह्मणी तरंग थाना भरत बजार नामक एक स्टोर में निया लगी भोर प्राय 3टा बेले लगी जड़ी जाइए लक्षाधिक टंकार सामग्री राउरकेला अग्निशमन विभाग निया को आयत्त कर घटना में कहीं मृताहत होता सूचना आसीना निया लगे कारण जमापड़ना अंधारे गुरुप्रिया सेतु मालकानगिरी जिला चित्रकोंडा ब्लॉक स्वाभिमान अंचल में शोभा बढ़ाऊ गुरुप्रिया सेतु 3 दिन अधिक है अंधारे रही स्वाभिमान अंचल लाइफ लाइन पलटि गुरुप्रिया सेतु अंधारे रही स्वाभिमान अंचलवासी दुख प्रकाश कर वर्तमान पर्यटन ऋतु चली गुरुप्रिया सेतु देखापी शह शह संख्यार पर्यटक बुलवाक आसुवा बेले राति समय गुरुप्रिया सेतु पर अंधकार देखि पर्यटक मैंने असंतोष प्रकाश कर गुरुप्रिया सेतु उपर निम्नमान लाइट लगा अधिकांश समय गुरुप्रिया सेतु उपर लाइट खराब हो बंद हो विभाग अधिकारी और लाइट रक्षणाबेक्षण दायित्व देखा संस्था मध्य मधुचंद्रिका फल गुरुप्रिया सेतु उपर लाइट बारंबार खराब होता स्वाभिमान अंचल चर्चा दूर देखिए अभियोग राजधानी में एटीएम लांगी लुट लिंगराज थाना अधीन हाट साई एसबीआई एटीएम ताली लुट हो गतल विलंबित रात घटी घटना गैस कटर में काटि पखापाखि 10 लाख ऊर्ध टा लुटी सूचना मिली लिंगराज थाना पुलिस तदंत जारी रखी कंधमाल उर्मागढ़ जलप्रपात आदर्श विद्यालय 10म श्रेणी छात्र निखोज घटना 2 मास पर निखोज नाबालक हाड़ कंका मिली जलप्रपात निकट उधार हो हाड़ कंका जलप्रपात प्राय 500 मीटर तलू एक पथर खोल भितर गोछापड़ा पुलिस हाड़ कंका उद्धार कर गत अक्टोबर 8 तारीख में कटरींगा गांव लिंगा बेहेरा पुओ राखाल बेहेरा किसी बंधु उर्मागड़ा जलप्रपात को बुलवाक आसते बुलाबुली समय असावधानता जो राखाल गोड़ खसवर से जलप्रपात में बुड़ जा निखोज हो जाते घटना को नहीं मृत राखाल परिवार पक्ष थाना अभियोग होता नमस्कार खबर फटाफट को स्वागत कर लक्ष्मी नारायण धारा 370 उच्छेद को नहीं सुप्रीमकोर्ट बड़ राय जम्मू काश्मीर लागू हो भारत संविधान समस्त अनुच्छेद धारा 370 उच्छेद को वैध रखिंट सुप्रीमकोर्ट दाखल पिटिशन को खारज करने सहित केन्द्र सरकार निष्पत्ति को कायम रखा संविधान समस्त अनुच्छेद जम्मू काश्मीर में लागू हो पार ए शुणाई सुप्रीमकोर्ट 5 जनिया खंडपीठ सुप्रीमकोर्ट मुख्य विचारपति कहते धारा 370 संपूर्ण भाव एक अस्थायी व्यवस्था था भारत में मिश्रण पर आउ स्वतंत्र मान्यता बजाय रखिपार
जम्मू काश्मीर हेउछि भारतर अविच्छेद्य अंग तेणु खूब शीघ्र एहाकु राज्य मान्यता मिलू बोली कहिछन्ति सुप्रीमकोर्ट विचारपति। एहा सहित 2024 सेप्टेम्बर 30 सुधा निर्वाचन करिबाकु कुहाजाइछि। विधानसभा निर्वाचन सहित राज्य मान्यता फेरइबाकु निर्देश दियाजाइछि। लद्दाख केन्द्रशासित अंचल घोषणा बलवत्तर रखाई 2018 राष्ट्रपति शासन वैधता नहीं राय दिया रा विशेष उद्देश्य सहित धारा 356 औचित्य रही चैलेंज करने द्वारा राज्य शासन ठप हो विशेष उद्देश्य सहित धारा 356 औचित्य रही 16 दिन धरी लगातार शुणी पर गत सेप्टेम्बर 5 तारीख में राय संरक्षित रखी सर्वोच्च अदालत जम्मू और काश्मीर धारा 370 लागू कर एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता दिया 2019 अगस्त 5 तारीख में केन्द्र सरकार विच्छेद उच्छेद कर जम्मू और काश्मीर और लद्दाख दुईट केन्द्रशासित अंचल में भाग कर विरोध में सुप्रीमकोर्ट में एक मामला दायर होता जम्मू और काश्मीर में धारा 370 पुणि थे लागू करने और पूर्ण राज्य मान्यता फेर प्रार्थना करते आवेदनकारी प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार 5 जनिया खंडपीठ ए मामलार शुणी करते शुणी समय वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल गोपाल सुब्रमण्यम राजीव धवन जफर शाह दुष्यंत दुबे प्रमुख निज राय धारा 370 पुनः लागू करने सपक्ष अंपक्ष आटर्णी जनरल आर वेंकटरमणि सलिसिटर जनरल तुषार मेहता वरिष्ठ वकिल हरीश सालभे राकेश द्विवेदी वि गिरी केन्द्र सरकार पक्ष रखिथिले एवं धारा 370 हटाइबा निष्पत्ति ठीक बोले जुक्ति रखिथिले। उभय पक्षर जुक्ति सुनिबा परे सेप्टेम्बर 5 तारीख में राय संरक्षित रखिथिले सुप्रीमकोर्ट। हमास विरोध में अस्त्रविरति नुहे जारी रहिबो युद्ध आमेरिकार सहयोग में आक्रमण को आहुरी जोरदार करिछि इस्राएल खान यूनिस दुईपट घेरी आक्रमण करिछि एथिरे 300 रु अधिक लोकों मृत्यु होइछि। सेपटे युद्ध में एआई को सामिल कर इज्राएल टार्गेट स्थिर करने हमास ठिकाना संपर्क में तथ्य देवा सहित बोमामाड़ कर एआई दुई मास धरी चली युद्ध में 17,000 अधिक पालेस्टीनियों मृत्यु होई युद्ध में इज्राएल सेना को सहयोग कर एआई बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाजारे टार्गेट को ध्वंस कर एआई जो हमास लुचि रही सेठे बोमा पकाउ हफ्सोरा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ए टेक्नोलॉजी व्यवहार कर इज्राएल टार्गेट स्थिर करने सहित बोमामाड़ करने और चरमपंथी हमास ठिकाना संपर्क में तथ्य प्रदान कर एआई एंट्री पर रिमोट जरिया हमास ठिकाना उपर आक्रमण करद्वारा केवल जे टार्गेट को ध्वंस कर इज्राएल सेना सुरक्षित रहुचंते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी माध्यम से इज्राएल सेना एक समय 100 ठिकाना उपर आक्रमण कर इंडस्ट्रियल हब हेबा ओडिशा शिल्प विहीन केन्द्रापड़े आर्सलर मित्तल निपन स्टील प्रतिष्ठा कर विश्वर सर्वबृहत स्टील प्लांट वार्षिक 24 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट शिल्प प्रतिष्ठा पर प्रक्रिया त्वरान्वित कर सरकार आज आरंभ हो जमी अधिग्रहण में जनशुनाणी जनशुनाणी पर जमी अधिग्रहण प्रक्रिया त्वरान्वित कर प्रशासन जिलार महाकालपड़ा ब्लक रामनगर बतीघर और खरीनाशी पंचायत आज 13 तारीख जाए जनशुनाणी हो तीन दिन तीनि पंचायत 6 गाँ लोकों पर जनशुनाणी अनुषित हो आज रामनगर एवं बरबिहारीपुर मंगलवार दिन खारनासी और बुधवार दिन बतीघर पंचायत 3 गाँव में जनशुनाणी हो जनशुनाणी शिविर में जिला प्रशासन और कंपानी कर्तृपक्ष उपस्थित रही वार्षिक 24 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट यह शिल्प प्रतिष्ठा पर 1,00,000 कोटी अधिक टंका पुंजनिवेश कर निपन स्टेल यहद्वारा केन्द्रापड़ा जाजपुर जगतसिंहपुर भद्रक जिले में विकास होगा सहित प्राय 16,000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि होगा बोली कहा जाय छे। 2021 रे राज्य सरकार को उच्चस्तरीय क्षमता संपन्न कमिटी 12 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट शिल्प प्रतिष्ठा पर अनुमोदन देता हेले परवर्त मुहूर्त में आउ 12 मिलियन टन क्षमता बढ़ावा निष्पत्ति चलित वर्ष एप्रिल भी जापान गस्त समय टोकियो निपन स्टील बुले देखते मुख्यमंत्री और 5G अध्यक्ष बर्तमान प्रारंभिक कार्य आरंभ होता बेले परिवेश मंजूरी आसवा पर जमी अधिग्रहण।